एक और बात, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, आज का खाना किसकी तरफ से है? पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया जी आप लोग का अनदर व्लॉग में। और आज क्या प्रोग्राम है? हमारी अम्मा जी बड़े मजे से करी थी मामू शरीफ से बात। तेरा क्या बोला तूने? और मामू कह रहे थे, नहीं मामू या शरीफ, मामू शरीफ, और बड़ी कोई गहरी बातें हो रही थी, आप लोग समझदार हो समझ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि जी आज अफ्तारी आपने हमारे घर करनी है, घूम क्यों रहे इतना ज्यादा यार, वो आपने मूवीज में इफेक्ट डालते हैं ऐसे। लेकिन हमने उन्हें कहा कि अफ्तारी तक हम इंतजार नहीं कर सकते, लिहाजा हम सैरी करेंगे आपके साथ। और हमने कहा हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो मैं अरेंज नहीं कर सकता, तो लिहाजा बाहर आ जाओ। ये मैंगो बन के, ओह यार मैंगो, ये भी एक राज है, बताऊंगा बाद में। तो अब हम जा रहे हैं, उन्होंने हमें कहा लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी पहुंच के आपको बताते हैं। फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है, इसलिए स्टार्टअप बाहर ले रहे हैं। लेट्स गो। ए फ्यू मिनट्स लेटर, few moments later गाड़ी लगा के आए हैं, ये पहुंच गया मामू के पास। मामू ने टेबल बुक कराई हुई है हमारे लिए। क्या हाल है मामू जी? राजा जी देख लो, ये भी सीख गए हैं, कह ही दिया इन्होंने भी आज शरीक को। ये शरीक कहने का मकसद ये था, उन्होंने बता दिया कि शरीक कौन होते हैं इनडायरेक्टली। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋਚੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ। मामू ने हमें अफ्तारी पे बुलाया था, हमने कहा हमने नहीं अफ्तारी पे आना, हम सहरी पे आ रहे हैं। तो इन्हें हमने अर्जेंट बेसिस पे यहाँ बुला लिया है, उन्होंने बड़ा अर्जेंट बेसिस पे कर लिया है हमारे लिए ना। फिर खाना आने में हमारा कम से कम भी एक से डेढ़ घंटा है। तो अब ये मामू जी कह रहे हैं कि बीच में से उठ जाओ, मैंने माजी के पास बैठना है। और कुछ था अब होंगी बहन भाई की खुफिया और बड़ी कोई गहरी बात। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक घंटा खूब इन्होंने अपनी बहन से बात नहीं करेंगे। रमजान का आखिरी अश्र है ना, बहन से बात करेंगे, दीन की बातें करेंगे, इस्लाम की बातें करेंगे। दीन समझ रहे हो आप लोग, दीन दुनिया के, दीन दुनिया किन लोगों को सिखाया जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इस्लाम के बारे में बात करूंगा और मैं कोई बात नहीं। खाना नहीं खाएंगे? खाना तो वेट कर रहे हैं, अभी भी अभी लोग कह रहे हैं आधा घंटा लग रहा है, अभी भी खाएंगे। एक और बात, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, आज का खाना किसकी तरफ से है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। डर गए, डर गए, डर गए, मैं नहीं बताऊंगा। ये डर गए, चरीकों से डर गए। ये आज का खाना किसकी तरफ से है? यार मैं तो इधर से गुजरा था, आपने कॉल की है तो मैं आ गया। चल झूठा, किसकी तरफ से? ये नहीं ऐसे नहीं। खाना किसकी तरफ? क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। आपने अपने नसीब का, जिसने खाना होता वो खा लेता। नसीब सबके खुल ही ना जाए उसके बाद। अरे कहना क्या चाहते हो? दरबार में नहीं बैठे हुए, पहला बंदा देखा जो ट्रीट दे रहा है, दावा दे रहा और मान नहीं रहा। पैसे दे के नहीं मान रहा, पहला बंदा देखे। Eternity later, हमारी कराई आ गई है। हम दोनों मिलके पे करेंगे। मामू ये तो मजाक ही हो गया वैसे यार। A few minutes later, जिसने बिल देता देना होता है ना, वही ऐसे खाता है।
मजेदार। अच्छा, जैसा कि कढ़ाई आई और इतनी कम मज़े की कढ़ाई थी कि मैं कहता हूँ कि तबाही फेर दी। और ये आप देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा जो है ना तबाही फेरी के सही है। ये मैं दिखा रहा हूँ शक्लें दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा पता नहीं रास्ता या क्या वजह थी, रोटियाँ इनकी थोड़ी कच्ची थी, रोटियों ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कढ़ाई का टेस्ट ऑसम 10/10। ये वॉलेट मामू का है, मेरा नहीं है यार। क्या कर रहे हो? तुम्हारी तुम्हारी मामा ने मेरे पकड़ाए थे पहले। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने मैंने बिल नहीं दिखाया कितना है। वो ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती थी। इन्होंने मुझे पकड़ाए थे पैसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बहुत मजा आया सहरी, आपने आगे करवाई है। अफ्तारी भी अभी हमने आपसे कर ली है, सहरी में हमने आपको माफी नहीं दी। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं आप, क्या जा रहे हैं ना इधर लोगों को एक अफ्तारी खा तो सच मुझे निकल गया। अब आप कुछ समझदार हो, इसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत मजा आया सहरी, हमारा चलता रहता, समझो चलाते हो तो चलता रहेगा। मतलब बहुत मजा आया सहरी करके आपके साथ। इंशाल्लाह ताला वो ताली भी जरूर करेंगे। चलो, तो अब हम आ गए हैं और बहुत शुगर मिला कि आज मामू के साथ फैमिली भी थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पेट भर के आज जो है ना, आज तो टका के ओवरलोड हो गए हैं। और अब वो कढ़ाई का साइज़ चाहे मेरे से वीडियो में छोटा लग रहा होगा, पर साइज़ कढ़ाई का बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा मज़े का था और बड़ी क्वांटिटी बड़ी अच्छी थी और सारा खा गया हम। और अब जितना मज़े का खाना खाया, अब हम पियेंगे चाय, और चाय के बगैर तो मेरी तो सहरी नहीं होती। इसका पता नहीं मुझे कि इसकी होती कि नहीं होती, ये वैसे लस्सी पिएगा ये। नहीं, मैं आज चाय पीऊँगा। अच्छा, चाय के बगैर वैसे सहरी का मज़ा आता भी नहीं है। और इधर 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 आओ थोड़ा सा, वो देखो चांद और आपका फेस जरा पास लेके जरा वेरीफाई हो, कोई फ़र्क है नहीं ना, वो आता है आपका पूरा मुंह। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।